हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज हम एक नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड से है। मल्टीपल प्रोफाइल वैकेंसीज़ है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं। हम देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, राइट, एग्जामिनेशन फ़ी कितना है, सैलरी कितना है, सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो ई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन इस तरह का आए तो आपको सेम डे आपके मोबाइल पे मिल जाए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट टैग ग्रेड वन, ओवरसीयर ग्रेड सी, अमीन ग्रेड डी, उसके बाद जूनियर केमिस्ट टी एंड एस ग्रेड डी। तो ये है प्रोफाइल नेम एंड इसके बारे में हम जानेंगे एग्जैक्ट। देखिए, अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट टैक में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंटरमीडिएट और एग्जामिनेशन जो है, और सीए इंटरमीडिएट जो है वो अकाउंट से होना चाहिए, राइट। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 41 है। ये देखिए यहाँ पर यह 17 जनरल के लिए, इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए 4, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 15, ओवरसीयर ग्रेड सी के लिए 35 वैकेंसीज़ हैं, वो भी मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, रिकॉग्नाइज डिप्लोमा सिविल इंजीनियर से मांगा है, 3 ईयर का डिप्लोमा है इसमें। अमीन ग्रेड थ्री में मैट्रिकुलेशन चाहिए, मंथ एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट सर्विंगशिप आईटीआई चाहिए इसमें, 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, 10 वैकेंसीज़ हैं, ओवरसीयर में 35 वैकेंसी है। जूनियर केमिस्ट्री एंड एस ग्रेड डी, इसमें 7 वैकेंसी है दोस्तों, इसमें जो है ग्रेजुएट चाहिए, ग्रेजुएट इन साइंस विथ केमिस्ट्री, राइट। उसमें क्लोजिंग डेट जो है, लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का 30 मार्च। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है जो डिसेबल है उनके लिए डिस्क्रिप्शन। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो प्रोबेशन पीरियड एंड सैलरी स्ट्रक्चर दिया, अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट की सैलरी होगी 37,063 रुपया, राइट, 37,063 रुपया, और ये 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड होगा। ओवरसीयर ग्रेड सी के लिए 1 ईयर प्रोविजन पीरियड 31,852 रुपये इसकी सैलरी होगी। अमीन ग्रेड डी के लिए जो है, और जूनियर केमिस्ट ग्रेड डी के लिए जो है 29,460 रुपया इसकी सैलरी होगी, और 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड होगा, राइट। उसके बाद जो है इसमें जो एससी एसटी कैंडिडेट होंगे उनको जो है कन्वेंस टीए दिया जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। एज दिया हुआ है 18 से 30 साल मैक्सिमम, अपर एज जो है एसटी एससी के लिए 5 साल ज़्यादा, ओबीसी के लिए 3 साल ज़्यादा, और जो है पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल ज़्यादा। पीडब्ल्यूडी जो है वो ओबीसी के लिए 13 साल और एससी एसटी के लिए 15 साल, ये है, राइट। उसके एग्जामिनेशन फ़ी 500 रुपया भरना पड़ेगा जनरल के लिए और ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। एससी एसटी के लिए जो है नील है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटर्न प्रोसेस होगा, और उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट में 100 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। 70 मार्क्स जो है टेक्निकल होगा, और जो 30 मार्क्स होगा वो जनरल होगा पार्ट बी में, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, सेपरेट ओएमआर सीट होगा इसमें, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन होगा, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे, राइट। 50 नंबर देखिए यहाँ पे जो है, जो मिनिमम कटअप है 50 जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए 40 है। रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड एनसीएल वेबसाइट, जो न्यूक्लियर नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड है उसके वेबसाइट पे ये पब्लिश होगा, जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ओके, जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं वो टीए क्लेम कर सकते हैं, क्लेम का फॉर्मेट दिया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप कैसे फॉर्म फिल करोगे, आप ये जाओगे nclcil.in, उसके बाद ये क्लिक करोगे तो एक पेज खुलेगा, उस पर करियर पे क्लिक करोगे, एक रिक्रूटमेंट पे क्लिक करोगे, एंड देन फिर नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ अकाउंटेंट ग्रेड, ये नोटिफिकेशन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, और फिर आएगा लास्ट में अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई करोगे वहाँ पे, फिर जाके आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, फ़ी पेमेंट करोगे, अप्लाई एंड सबमिट, हो गया, ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अब हम आपको दिखा रहे हैं, लास्ट डेट है 30 तारीख, एग्ज़ाम डेट बाद में आ जाएगा,
ठीक है, कोई हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे आप हेल्प कर मांग सकते हो या मेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है या कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, ये फॉर्म दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट का, जिसको रिजर्वेशन चाहिए एंड ऑल दिस। ये देखिए सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी दिया हुआ है, राइट। इसी तरह सारा है डॉक्यूमेंट यहाँ पे, जब आप जाओगे लिंक पे तो ये सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो मैं बोल रहा था, जो रिफंड के लिए है ना, TA क्लेम फ्रॉम द कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन SC ST कैंडिडेट के लिए, तो ये है, इसको फॉर्म फिल करके आपको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ जब फर्स्ट पेपर देने जाओगे। तो दोस्तों ये था शॉर्ट इसका ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड। आप फॉर्म फिल कीजिए दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले, वो भी फॉर्म फिल कर सकें। एंड प्लीज़ इसका जो है ई एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।